Audio Jungle. सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिसका विरोध सिर्फ विपक्ष ही नहीं, यहाँ तक कि बच्चे, महिलाएं और युवा खुद भी कर रहे हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है मंडल महामंत्री श्री भगवान शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। हाँ जी, नमस्कार जी। जो केजरीवाल जी ने शराब के जो ठेके खोले हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना गलत ठेके खोल दिए हैं। हर वार्ड में तीन तीन ठेके खुल रहे हैं। इसका विरोध इतना ज़बरदस्त हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है कि जनता जो है ना बहुत परेशान है, और जो आसपास के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो गुस्से में हैं। लोग जो है ना दारू के ठेके पे पहुंच रहे हैं, गालियां बक रहे हैं केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी होश में आओ, केजरीवाल जी होश में आओ। इतना बुरी तरीके से गुस्सा फूट रहा है पब्लिक का। अगर ये ठेके बंद नहीं करवाते हैं तो इसका भरपूर विरोध होगा, और हमारी लोगों की भी कोशिश ये है कि हम जाके ठेके पर विरोध करेंगे और ठेका बंद कराएंगे, चाहे हमें शराब की बोतलें तोड़नी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, और हम ठेका बंद करा के रहेंगे। बताओ, 25 साल की उम्र थी, 25 से घटा के 21 साल पर ले आए, इससे बुरा दिन कब आएगा? केजरीवाल जी होश में आ जाओ, ये जो है ना जनता सब समझ रही है। आज युवाओं को मतलब बर्बाद करना चाह रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे, बहुत गलत करा। मुख्यमंत्री आप क्या कह रहे थे, दिल्ली का विकास करेंगे, ये विकास कर रहे हो दारू दे के, दारू बांट के, ये जगह जगह ठेके खोल के विकास कर रहे हो। इतना बुरा हाल होगा, छीना झपटी बढ़ जाएगी और लूटमार बढ़ जाएगी, दारू पी। जैसे कि आपने कहा युवाओं पर इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी देश के विकास के लिए युवा का सही सलामत होना बहुत जरूरी है। इस बारे में शराब की नई दुकानें खुलने के उन पर क्या असर पड़ेगा? युवाओं पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और बताओ, आप ग्रेजुएशन करते हैं 21 साल में, और ग्रेजुएशन के बाद दारू पिलाओ? क्या केजरीवाल, नौकरी देनी चाहिए, नौकरी की जगह दारू दे रहे हैं? इनको तो नौकरी का काम करना चाहिए और विकास का काम करना चाहिए, दारू का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बुरी सरकार आज तक ना हुई है ना होगी। सब भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार हर चीज़ में, भ्रष्टाचार दारू में कमाइयाँ कर रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के कितने पैसे जो है ना बढ़ गए हैं, उसमें टैक्स नहीं कम कर रहे, अभी तक टैक्स नहीं कर रहा। हमारी सरकार ने 10-10 रुपये टैक्स कम कर दिए, इन्होंने अभी तक कोई टैक्स ही कम नहीं करा। इतनी बुरी सरकार हमने आज तक नहीं देखी। महिलाओं को भी खोल सकते हैं, कल को ये बच्चों का भी खोलेंगे, बच्चों का और खुलवा दें ना, यही रह गए, 5 साल के बच्चों का भी खुलवाएं, ये और करवा दें। कितना घटिया काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, बहुत ज़्यादा। ऐसे मुख्यमंत्री मैंने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखे, इतना बुरा काम कर रहे हैं कि दारू। आपने देखा कि शराब की नई दुकानों का खुलने पर सिर्फ युवाओं पर ही नहीं, महिलाओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसका विरोध की विपक्ष कर ही रही है, और साथ में बच्चों और महिलाओं का भी कहना है कि शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। ऐसे ही इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए तेज निगाहें।